हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया और बांग्लादेश के बीच दूसरे टेस्ट का पहले दिन का हाईलाइट। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला ढाका में खेला जा रहा है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने अच्छी शुरुआत की और पहले विकेट के लिए नजमुल हसन और जाकिर की जोड़ी ने 39 रन जोड़े। 12 साल बाद टेस्ट में वापसी करने वाले जयदेव उनादकट ने भारत को पहली सफलता दिलाई। उन्होंने जाकिर हसन और लोकेश राहुल के हाथों कैच कराया। इसके 3 गेंद बाद ही अश्विन ने सांतो के पवेलियन भेज दिया। मोमिनुल और कप्तान साकिब ने तीसरे विकेट के लिए 43 रन की साझेदारी की। उमेश ने साकिब को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ दिया। इसके बाद बांग्लादेश की टीम नियमित अंतराल पर विकेट गंवाती रही। मोमिनुल एक छोर पर जमे रहे लेकिन दूसरे छोर से विकेट गिरते रहे। मोमिनुल ने कई बल्लेबाजों के साथ 40 रन से ज़्यादा साझेदारी की लेकिन अर्धशतकीय साझेदारी नहीं कर सके। बांग्लादेश के लिए सबसे ज़्यादा 84 रन मोमिनुल हक ने बनाए। 26 रन बनाने वाले मुशफिकुर रहीम टीम के दूसरे सबसे सफल बल्लेबाज रहे। लिप्टन दास ने 25 और सांतो ने 24 रन की पारी खेली। भारत के लिए उमेश यादव और रविचंद्र अश्विन ने 4-4 विकेट लिए, वहीं जयदेव नादकट को 2 विकेट मिले। अंत में बांग्लादेश की टीम 227 रन पर सिमट गई। बांग्लादेश को 227 रन पर रोकने के बाद पहले दिन ही भारतीय टीम भी बल्लेबाजी के लिए आ गई। कप्तान लोकेश राव और सुमन गिल की सलामी जोड़ी क्रीज पर है। 3 ओवर में भारत ने बिना कोई विकेट खोए 8 रन बना लिए हैं। लोकेश राहुल 3 और सुमन गिल 14 रन बनाकर खेल रहे हैं। भारतीय बांग्लादेश के स्कोर से 208 रन अभी भी पीछे है। हालांकि भारत के सभी 10 विकेट बचे हुए हैं। टीम इंडिया मैच के दूसरे और तीसरे दिन बल्लेबाजी कर बड़ा स्कोर बनाना चाहेगी। वहीं बांग्लादेश की टीम भारत को जल्दी समेटकर पहली पारी में बढ़त लेने की कोशिश करेगी।